हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट जॉब अपडेट। मैं लेकर आया हूं बहुत बड़ी वैकेंसी न्यूज। इंडियन आर्मी अग्निवीर के तहत 2024 की बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। समथिंग 50,000 पोस्ट रहेगी इसमें। आर्मी अग्निवीर न्यू भर्ती 2024 आपने थंबनेल में देख चुके हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके, कब से शुरू हो रहे हैं, क्या एज में मिलेगी छूट, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है सभी के। जो बंदे ओवर एज हो चुके हैं या जो नहीं हुए उनको कट ऑफ और ओवर एज वो एज में कितनी छूट मिलेगी उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है, मैंने तो पिछले 2 महीनों से वीडियो बना के आपको बता दिया है कि एग्जाम डेट फिक्स है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट शुरू है, अप्लाई डेट शुरू है। आप जल्द जाके इनका फॉर्म भरे और तैयारी शुरू करें। तो आपने तैयारी अभी तक नहीं शुरू की है तो वो आपकी गलती है, हमने बीच में क्लासे भी चलाई है। तो हम वापस शुरू कर रहे हैं और आप तैयारी करें कंटिन्यू 100%। कल से हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट की बताऊंगा, एज में कितनी छूट मिलेगी या किस कैटेगरी में मिलेगी उसके बारे में बात करूंगा। एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है उसके बारे में बात करूंगा। ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, नहीं तो आपकी बार फॉर्म नहीं भर पाओगे। हाँ, ये भी क्लियर है, मैं जो भी डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। ये भी एकदम क्लियर है, ठीक है। तो मैं एक एक करके इनकी फुल डिटेल पे चलूं। उससे पहले यदि आप सभी नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसके अलावा एक और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, इन दोनों में हर रोज की डेली अपडेट क्यू चलाई जा रही है, जिसमें हर रोज के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के क्वेश्चन चलाए जा रहे हैं। क्यू चलाई जा रही है, उसमें आपका अपना स्तर भी जा सकते हो। जैसे हर रोज के क्वेश्चन में आप भाग लेके आप ये तय कर सकते हो कि मेरी रैंक कितने में आ रही है। जितने भी स्टूडेंट वहां जो क्यूज दे रहे हैं उसमें आपकी रैंक बताई जाएगी, ठीक है, आप कितने नंबर पे आ रहे हो, प्लस आप कितने क्वेश्चन राइट कर रहे हो, वो भी वहां क्लियर होगा। तो आप जरूर जाके वहां ज्वाइन करें। हर रोज डेली अपडेट आपको क्यूज मिलेगी। शाम को समथिंग 7:30 बजे क्यूज आएगी, 8 बजे हर रोज मेरी क्लास आएगी। आज से वापस मैं क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। आज ये वीडियो आएगा शाम तक, तो कल से क्लास मैं शुरू कर रहा हूँ। तो इसके लिए आप सभी बन के रहे और मेरे जो भी प्लेटफॉर्म है जिनके लिंक दे रखे नीचे, जैसे इंस्टाग्राम पेज है, टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, इन सभी के लिंक दे रखे, आप जरूर जाके ज्वाइन करें। और यदि आपको फिजिकल की तैयारी करनी है तो हमारा सेकंड चैनल है जो एसआर डिफेंस करके है, उनके फिजिकल की तैयारी भी जल्द हम शुरू करवा रहे हैं, तो उनको भी ज्वाइन करके आप जरूर लगे, ठीक है। मैं सबसे पहले शुरू करूं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट कब शुरू हो रहा है, तो 8 फरवरी को आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट शुरू है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू है 8 फरवरी, एक बार नोट कर लो 8 फरवरी। मैंने पहले भी बोला था जनवरी या फरवरी में आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, यदि आपने ध्यान नहीं दिया है तो ठीक है, लेकिन अभी तैयारी शुरू कर दो, अभी मौका है आपके पास, ठीक है। क्या इसमें मिलेगी छूट, इसमें टेक्निकल में एनए में तो पहले ही छूट मिल रखी है, 23 है, और टेक्निकल और कलर्क इन दोनों में छूट की बहुत बड़ी संभावना है, पर अभी तक इनका कोई विशेष अपडेट नहीं आया कि छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन दोनों पोस्टों की मैं बात कर लूं कैसे मिलेगी छूट, तो देखो इनमें टाइपिंग टेस्ट कर रखा है और टेक्निकल में इनमें आईटी वगैरह कर रखी है, तो जो 12th पास बंदा और आईटी कर रखा बंदा 18 से लेके 21 के बीच में मिलना मुश्किल है। और वो जो कलर्क में टाइपिंग दे रखा है उसमें भी बहुत बड़ी संभावना है कि वहां कम मिलने के चांस है, तो इसीलिए उन दोनों में 23 कर सकते हैं। उनकी अपडेट अभी नहीं आई है, यदि आएगी तो मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा। अभी आपकी यदि एज 21 के अंदर है, 17.5 से 21 के अंदर है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ये 8 तारीख को आपके इनके फॉर्म शुरू है। एग्जाम डेट फिक्स की बात कर लूं, मार्च या अप्रैल में इनके एग्जाम हो गए, 100% एक भी परसेंट इसमें गलत नहीं है। तो आप तैयारी शुरू कर दो, कल से हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं, आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहो, हम पूरी तरह आपकी हेल्प की जाएगी। ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, नहीं तो आपकी बार फॉर्म नहीं भर पाओगे। यदि आधार में आपके, देखो डॉक्यूमेंट की बात कर लो तो आधार में यदि आपकी कोई मिस्टेक है, कोई तरह की समस्या है, डेट ऑफ बर्थ में है, नेम में है, पापा के नेम में, मम्मी के नेम है, एड्रेस में कोई प्रॉब्लम है, तो आज सही करवा लो, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। यदि अभी तक आपने आर्मी की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो अभी भी कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर लो, जैसे ही फॉर्म शुरू हो फॉर्म भर देना। तो आधार रेडी करवा लो, मूल निवासी बनवा लो, जाति बनवा लो, नहीं बनाया तो, और पुराने बना रखे हैं तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आधार कार्ड है, मार्कशीट में कोई समस्या है तो देख लो एक बार, सभी का मिलान कर लो, और बाकी जो 10th 12th जो भी क्वालिफिकेशन आपकी, जिस क्वालिफिकेशन से आप फॉर्म भरने चाहते हो उनकी डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, ठीक है, फोटो वगैरह जब भी खिंचवा लेना। लेकिन मेन जो आधार में, यदि आधार में किसी भी तरह की समस्या है तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, इसीलिए अपना आधार करेक्शन करवा लो, ठीक है। मैंने जो भी जानकारी दी आई होप आपको सब कुछ समझ में आई होगी। और भी कोई मन में क्वेश्चन क्वेरी है तो बेसिक से कमेंट करें, आपकी पूर्ण हेल्प की जाएगी, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।